त्रेता युग में आपने एक पति की 30 पत्नियां या फिर एक पत्नी के 5 पति की बातें तो खूब सुनी होगी, लेकिन कलयुग में एक पति की 3 पत्नियां वो भी आपस में सगी बहनें, इस तरह के मामले नहीं सुने होंगे। हम आपको ऐसा ही कुछ मामला बताने जा रहे हैं जहां एमपी यूपी सीमा स्थित चित्रकूट में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी 3 पत्नियां वो भी एकदम हिलमिल कर रहती है। तीनों बहनों ने 12 वर्ष पहले एक साथ पति के रूप में कृष्णा को स्वीकार किया था। पत्नियां अपने पति को भगवान की तरह दशरथ का अवतार मानती हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की 3 बहनों ने एक ही युवक से शादी कर खुशी खुशी जीवन न केवल व्यतीत कर रही हैं, बल्कि सुहाग का त्योहार करवा चौथ भी एक साथ ही मनाती हैं। हालांकि दुनिया में इस तरह एक साथ 3 पत्नियां वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के एक साथ रहना मुमकिन नहीं। इस तरह 3 बहनों का एक साथ दंपत्ति जीवन व्यतीत करना दुनिया में अजीबोगरीब केस कहा जा सकता है। चित्रकूट में रहने वाली तीनों सगी बहनें अपने पति को सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि दिव्य पुरुष मानती हैं। इन बहनों का कहना है कि महाकाली से मिली शक्ति के दम पर दुनिया को वह दिखा देना चाहती हैं कि आज भी अगर स्त्रियां अपनी इच्छाओं पर काबू रखना सीख लें तो किसी सामान्य पुरुष को भी दशरथ जैसा महाराजा बनाया जा सकता है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं की तरह ही चित्रकूट की तीनों बहनें की एक जैसी कहानी है, जो करवा चौथ के दिन तीनों बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा निकलने पर 16 श्रृंगार कर एक साथ पूजा कर भगवान से हर जन्म में चारों को एक साथ फिर से जीवन साथी बनाने की कामना करती हैं।